नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आने वाले हिंदी की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यामा के रचयिता हैं। तो यामा की रचना जो है महादेवी वर्मा ने की थी और ये कविता है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1940 और इसके लिए महादेवी वर्मा को 1982 में जो है हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिल चुका है, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार हैं। तो संसद से सड़क तक जो है सुदामा पांडे धूमिल जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1972। अगला प्रश्न है, चीफ की दावत के रचनाकार हैं। तो चीफ की दावत कहानी है भीष्म साहनी की, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार को दर्शाती है, जिसमें जो जिसका जो मुख्य पात्र है वो अपनी माँ को बहुत ही नीचा दिखाने की कोशिश करता है और अपने चीफ से ये उम्मीद करता है कि वो उसको जल्दी से प्रमोशन दे। तो इस तरह की एक कहानी जो है दर्शाई गई है। अगला प्रश्न है, सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं। तो सर्कस उपन्यास के रचनाकार हैं संजीव। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है और संजीव के अगर अन्य रचनाओं की बात की जाए तो किशनगढ़ के अहेरी, सूत्रधार, जंगल जहां शुरू होता है, तो इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। तो रंगभूमि जो है वो प्रेमचंद जी का उपन्यास है और 1924 में जो है ये प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा प्रेमचंद जी के उपन्यास है निर्मला, सेवा सदन, गबन, ये उनके कुछ बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, प्रभु ही चित ही पुनि चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मनसिज मीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ये पंक्तियां जो है तुलसीदास जी की हैं और तुलसीदास जी ने जो है बहुत सारी रचनाएं जो है लिखी हैं। गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, ये उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ये जो है रैदास की द्वारा लिखी गई पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी तिन जैसी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इन पंक्तियों के रचयिता हैं तुलसीदास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। प्रेम पचीसी कहानी संग्रह के रचनाकार हैं। तो प्रेम पचीसी जो है वो प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है और प्रेमचंद की अगर अन्य कहानियों की बात की जाए तो पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, दो बैलों की कथा, ये उनकी कुछ काफी प्रसिद्ध कहानियां हैं, तो ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में जो है श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है बहुत सारे हमारे रचनाकारों को मिल चुका है, जैसे चितंबरा के लिए जो है सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को मिल चुका है 1972 में और फिर अज्ञेय जी को कितनी नाव में कितनी बार के लिए 1978 में मिला है और यामा के लिए महादेवी वर्मा को मिल चुका है 1982 में। तो
इस तरह से ये कुछ कवियों हैं कवि हैं जिन जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है उनके साहित्य में श्रेष्ठ कार्य के लिए। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक कौन है? तो प्रेम सागर की रचना जो है वो लल्लू लाल जी ने की है। और अगर लल्लू लाल जी की अन्य रचनाओं की बात की जाए तो सिंहासन बत्तीसी, बेताल पच्चीसी, शकुंतला जैसी कई रचनाएं जो है उन्होंने लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास जी जो हैं वो राम भक्त थे, तो उन्होंने अपनी रचनाओं में राम का सबसे ज़्यादा वर्णन किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, राम। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र जो है वो जैनेन्द्र कुमार की रचना है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1937। और इनका एक अन्य उपन्यास है काफी प्रसिद्ध है, परख, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं? तो हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिन्हें 1968 में उनके द्वारा लिखी गई चितंबरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है? तो विनय पत्रिका जो है तुलसीदास द्वारा लिखी हुई रचना है और तुलसीदास की रचनाओं के बारे में मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका जैसी कई रचनाएं उन्होंने लिखी हुई है। अगला प्रश्न है, मानस का हंस के लेखक का नाम है? तो मानस के हंस जो है वो अमृतलाल नागर जी की रचना है और जिसका प्रकाशन वर्ष है 1972। और इसके अलावा अमृतलाल नागर जी की एक अन्य रचना है अमृत और विष, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है ये भी। और इसके अलावा एक और रचना है बूंद और समुद्र, ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रचना है उनके द्वारा लिखी गई, बूंद और समुद्र, तो इन्हें भी आप याद रखें। अगला प्रश्न है, मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं? तो मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार हैं सरदार पूरण सिंह। और सरदार पूरण सिंह की जो अन्य रचनाओं की अगर बात की जाए तो सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता जो है ये उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, कलम के सिपाही क्या है? तो कलम के सिपाही प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक जीवनी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं, ये पंक्तियाँ जो है सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा लिखी गई हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के कुछ 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।